Kirchhoffs. No. ठीक है ना, किर्चॉफ्स लॉस. देखिए क्या होता है, सर्किट से रिलेटेड जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, एक वायर इधर से आ रही होती है, एक वायर इधर जा रही होती है, एक ही पॉइंट पे खूब सारी वायर जम जाती हैं, तो उस टाइम कुछ रूल्स होते हैं जो करंट फॉलो करती है. ठीक है ना, तो किर्चॉफ लॉ दो लॉ है. फर्स्ट जंक्शन रूल. देखिए जंक्शन रूल क्या कहता है, मान लीजिए ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे बहुत सारी करंट आ रही है, इस तरीके से एक करंट इधर से आ रही है, ठीक है, एक करंट इसमें इधर से आ रही है, एक करंट यहां से जा रही है, ऐसे मान लो एक करंट ऐसे जा रही है, एक करंट यहां पे इधर से आ रही है, ये वाली करंट आ रही है, एक करंट यहां पे इधर से जा रही है, यूं इस तरीके से जा रही है करंट. मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है. दिस इज जंक्शन. अब ये रूल क्या कहता है, ये कहता है कि किसी जंक्शन पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट. ठीक है, तो इस रूल में ये क्या कहता है, द सम ऑफ करंट इनटू द नोड मस्ट बी इक्वल द सम ऑफ करंट आउट ऑफ द नोड. ठीक है ना, तो आई इन यानी कि करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग, यानी कि जितना करंट किसी देखिए जंक्शन है, ये करंट को कलेक्ट करके तो नहीं रख सकता, करंट को स्टोर करके तो नहीं रख सकता, चार्जेस को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि खुद में एक पॉइंट है और पॉइंट किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकता. तो इस पे जितनी करंट आएगी इमीडिएटली उसी टाइम इसको उसको डिलीवर भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. तो आने वाली करंट क्या क्या है, आई वन है, आई टू है और आई फोर है, यानी कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर इज इक्वल टू होंगे, आई वन आई टू और आई फोर इज इक्वल टू होंगे आई फाइव और आई थ्री इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फाइव. यह है आपका जंक्शन रूल. क्लियर, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट. ठीक, फर्स्ट रूल. अभी इनके ऊपर मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा तब जाके चीजें और क्लियर होंगी. सेकेंड रूल इज लूप लॉ. कोई क्लोज लूप किस चीज को फॉलो करता है, देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट लिखे इसका, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप डेल्टा वी अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट, अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट दैट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप इज जीरो. ठीक है, इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स डेल्टा वी अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट दैट फॉर्म अ क्लोज लूप इज जीरो. देखिए अगर कोई भी क्लोज सर्किट है तो उसमें जितने भी जगह भी पोटेंशियल का ड्रॉप होता है उन सब का अगर आप सम कर दोगे तो वो सम जीरो आ जाएगा, यानी कि डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी टू प्लस डेल्टा वी थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो फॉर अ क्लोज्ड सर्किट. ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इस जो मैंने अभी बोला है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या है. तो फॉर अ क्लोज लूप सिग्मा ऑफ वी, यानी के सिग्मा ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो फॉर अ क्लोज लूप. नोट करिए, फिर मैं इनके ऊपर एग्जाम्पल देके इनको और क्लियर करता हूं. ओके, तो जो ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, ये जो चीज लिखी गई है इसको जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक ये क्लियर नहीं होगी. एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए इधर कहीं से कोई करंट आ रही है और यहां पे एक रेजिस्टेंस पड़ता है R1, ठीक है ना, और ये करंट चली गई कहीं भी. अब इधर से एक दूसरी करंट आ रही थी,
जो कि यहां पे कनेक्ट होने के बाद यहां गई, इसमें एक रेजिस्टेंस आता है R2 और यहीं पे एक बैटरी भी आती है जिसका EMF है E1, ये कहीं चला गया। फिर इधर से एक आया रेजिस्टेंस R3, ठीक है, और ठीक है, फिर यहां से इधर से कोई रेजिस्टेंस अलग से कोई लाइन आई इधर से, ठीक है, और ये चली गई इधर, ये है R4, ठीक है। ये एक क्लोज लूप है, किसी भी सर्किट का एक पीस है ये, क्लोज्ड, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। यहां पे मान लीजिए इस लाइन में करंट है I1, ठीक है ना, और यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है कि इस लाइन में करंट है I2, इस लाइन में इस तरफ करंट है I3, इस तरफ, और इस लाइन में इस तरफ करंट है I4। देखिए करंट किसी भी तरफ हो सकती है क्योंकि बाकी के पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हमने तो किसी सर्किट का एक आर्बिट्रेरी पीस लिया है, ठीक है ना। अब जंक्शन रूल और ये लूप लॉ क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये इस सर्किट एलिमेंट के बारे में क्या कहते हैं वो हमें देखना है, अभी इनका मीनिंग क्या है यहां पे मेंशन करने का, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इनको नाम दे देता हूं, मान ले पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट एफ, और बस ये वाला पॉइंट ये है। तो अब आप देखिए सर्किट लो, हाउ टू राइट किरचॉफ्स लो, एक्चुअल में मैं यहां पे एक टाइटल लिख सकता हूं, हाउ टू राइट किरचॉफ्स लॉ, कैसे लिखना है इसमें किरचॉफ लॉ कैसे लिखना है। देखिए किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो जाइए, ए, हम ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और ए पॉइंट से स्टार्ट होकर हम ऐसे चल के वापस ए पे ही पहुंचेंगे, ठीक है ना, हम ए से स्टार्ट होते हैं और ए पे ही पहुंचेंगे। मान लीजिए ए का पोटेंशियल है वी ए, ठीक है ना, जब हम आगे बढ़े तो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, करंट की डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते R1 आया। अब अगर आप करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो और बीच रास्ते में रेजिस्टेंस आ जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ही आप इसको क्रॉस करके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हो IR1 पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ B कितना होगा, -I1R1। ये इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल हो गया, ये चीज जो है एक्चुअल में पोटेंशियल ऑफ B भी है, आप चाहो तो इसको पोटेंशियल ऑफ बी भी लिख सकते हो या फिर आप आगे भी बढ़ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से आए, फिर से हम करंट की ही डायरेक्शन में चले गए, फिर से करंट का ड्रॉप होगा, इसका ड्रॉप होगा, ठीक है ना, इसका ड्रॉप होने पे I2R2 इतना ड्रॉप हो गया। अब ये जो है ये चीज है, ये सी का पोटेंशियल है, ये सी का पोटेंशियल है इतना, लेकिन हम यहां पर भी नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अब बैटरी आती है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जब हम इस तरफ जा रहे हैं, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से हम ज्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट में निकलेंगे जाके, इसका मतलब पोटेंशियल का एडिशन होगा, जब कम पोटेंशियल वाले पॉइंट पे हैं इस टाइम और ज्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट पे निकलेंगे तो इसका मतलब एड हुआ है, यानी कि यहां पर मुझे E1 एड कर देना चाहिए, क्लियर। अब हम किस पॉइंट पे पहुंच गए, डी पे, यानी कि ये जो पूरी चीज है ये डी का पोटेंशियल है, क्लियर। अब हम यहां से चलते हैं इस तरफ, देखिए जब हम इस तरफ चलते हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, अब करंट तो अपोजिट आ गई, करंट अपोजिट आ गई किस रेजिस्टेंस में, R3 में, और करंट कितनी है I3। अब जब हम करंट के अपोजिट चलते हैं तो हम कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मुझे यहां पर एड करना पड़ेगा I3R3, क्लियर। ये क्या हो गया I3R3। अब हम यहां से चल के फिर करंट की डायरेक्शन में चले गए, अब मुझे यहां पे माइनस करना पड़ेगा I4R4। अब यहां से चल के हम किस पॉइंट पे पहुंच गए, ए पे, तो ये क्या आ गया, ए का पोटेंशियल, यानी कि ये किसका पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल ऑफ ए आ गया फिर से। अब आप देखो हमने ए से ही स्टार्टिंग की और इक्वल टू के बाद ए का ही पोटेंशियल आ गया, तो इस वी ए से ये वी ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, माइनस का I1R1
माइनस का आई टू आर टू, प्लस का ई वन, प्लस का आई थ्री आर थ्री और माइनस का आई फोर आर फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, दिस इज किरचॉफ्स इक्वेशन। ठीक, तो ये कहता है किरचॉफ्स लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज सर्किट का अगर आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, तो उनके पोटेंशियल्स का जो ड्रॉप, देखो ये कहां का ड्रॉप है, ये बिटवीन ए एंड बी का ड्रॉप है। दिस थिंग इज ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, और ये चीज क्या है, दिस इज ड्रॉप बिटवीन बी एंड सी एंड सो ऑन। इस तरीके से ये ड्रॉप्स हैं अलग अलग, सारे ड्रॉप्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। वो ये कहता है। अब एक चीज और है, अब यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज लिखी हुई है यहां पे ए, अगर हम वी ए से स्टार्ट करें, हमारे पास हमारे हाथ में वी ए पोटेंशियल है, हम वी ए से क्रॉस करते हैं आर वन को और बी पे पहुंच जाते हैं, तो कितना ड्रॉप हुआ, आई वन आर वन, एक्चुअल में किसका पोटेंशियल हुआ, वी बी का, ये वी बी का पोटेंशियल हुआ। अब अगर आप बी से चलते हो, वी बी से, वी बी से चलते हो और इस डायरेक्शन में चलते हो, तो माइनस आई वन आई टू सॉरी आई टू आर टू हुआ और उसके बाद सी पे पहुंच गए, या तो आप इसको पोटेंशियल ऑफ सी लिख दो, या फिर एक चीज और कर सकते हो आप, ये पोटेंशियल ऑफ सी हुआ। अगर आप थोड़ा और आगे चलो तो वी बी माइनस आई टू आर टू और उसके बाद ये आया बैटरी, सी के बाद अगर हमने बैटरी को क्रॉस किया तो कम पोटेंशियल वाली जगह पे हम खड़े हुए, ज्यादा पोटेंशियल पे निकले, इसका मतलब एडिशन हुआ, यानी कि प्लस का ई वन इज इक्वल टू किसका पोटेंशियल आया, डी का, ये डी का पोटेंशियल आ गया, तो ये किसका पोटेंशियल हुआ, डी का। ये टर्म अपने आप में ट्रू है, ये टर्म अपने आप में ट्रू है, ये टर्म भी अपने आप में ट्रू है, हम इस सर्किट का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम पोटेंशियल ऑफ डी पे पहुंच गए, पोटेंशियल ऑफ डी, मान लो डी पॉइंट पे पहुंच गए, पोटेंशियल डी से, डी से स्टार्ट कर रहे हैं, ये डी का पोटेंशियल हमारे पास है, उसके बाद हम एफ पे पहुंचे, तो प्लस आई थ्री आर थ्री, क्योंकि पोटेंशियल का एड हो, एडिशन होगा, क्योंकि हम डी से एफ पे पहुंचे हैं, तो ये किसका पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ एफ हो जाएगा। ये इसको भी बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप देखो किरचॉफ लॉ से हमें कितने सारे रिजल्ट मिलते हैं, हमको लिखना आना चाहिए किस तरीके से हमें किरचॉफ लॉ लिखना है, ठीक है, क्लियर। अब इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं किरचॉफ लॉ पे एक दो एग्जांपल और देता हूं ताकि और इनको अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाए।